Hi, today is the twenty second of April, twenty twenty. Let us have a quick brief of today's newspaper, The Hindu. आज के पेपर में ये सारे असेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स हैं पहला फर्स्ट इज इंफीरियर इन्फीरियर का मतलब होता है लेसर स्पार जैसे कि बॉक्सिंग या फाइट हो रही है सो दैट इज कॉल्ड स्पार देन हंगर हंगर पैंग्स हंगर पैंग्स मतलब फीलिंग स्ट्रॉन्ग हंगर बहुत जोर से भूख लगना दैट इज कॉल्ड हंगर पैंग्स देन क्रीमेशन इसका मतलब होता है फ्यूनरल डेड बॉडी को देट इज कॉल्ड क्रीमेशन देन लेगिंग बिहाइंड लेगिंग बिहाइंड का मतलब होता है कि पेस मेंटेन नहीं कर पाना पीछे फॉल बैक हो जाना अबिसमल अबिस्मल मीन्स टेरेबल देन क्रिपल्ड क्रिपल्ड का मतलब होता है डिसेबल्ड प्रोएक्टिव प्रोएक्टिव पर्सन होते हैं ना टेक चार्ज वॉल्टियर आगे आके टेक चार्ज करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रो एक्टिव देन एग्रेग्रियस मीन्स शॉकिंग या अपेलिंग देन अलूमनस अलूमनस मतलब फॉर्मर पीपल किसी कॉलेज या फिर स्टूडेंट ये जो है फॉर्मर पीपल देन एक्सेंचुएट एक्सेंचुएट का मीनिंग होता है मेकिंग इट मोर नोटिसिबल ज़्यादा हाईलाइट कर देना उसे देन अनप्रेसीडेंटेड अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अनपैरल सेफ हेवन सेफ हेवन मीन्स प्लेस ऑफ रिफ्यूज डिफरमेंट का मतलब होता है पोस्टपोन करना ये वर्ड्स हैं जो आगे हम अभी पेपर में पढ़ने वाले हैं इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड एंड इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो सो लेट अस स्टार्ट आज के पेपर में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हम कवर करेंगे वो है फर्स्ट

एम्स डिप्लॉय रोबोट्स इन कोविड 19 वार्ड ये दो रोबोट्स हैं जो अभी एम्स यूज़ कर रहा है ताकि जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं और, और डॉक्टर हैं उनके बीच में सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी जा सके देन फोर्थ इज़ अबाउट नॉन एसेंशियल कैन वेट अभी ई कॉमर्स पॉलिसी में कुछ रिलैक्सेशन था बट गवर्नमेंट ने फिर यू टर्न ले लिया सो so ये वहाँ पर लिखा है कि वाइजर काउंसल प्रिवेल्ड दैन फिफ्थ है फ्यूचर्स स्टॉक ये फ्यूचर कॉमोडिटी मार्केट होता है ना इसमें हम देखेंगे कि कैसे क्रूड ऑयल का प्राइसेस फॉल हुआ हम इसको समझेंगे इसके नेगेटिव प्राइसिस का क्या रीजन है टेक्निकल एनोमोली है विल गेट टू नो अबाउट इट दैन सिक्स इज़ द की स्ट्रेटी इज़ फिजकल एम्पावरमेंट ऑफ स्टेट्स आर्टिकल टू एटी पता है ना हमें फिजकल डिवोल्यूशन होता है सेंटर और स्टेट में तो फिजकल एम्पावरमेंट की ज़रूरत है स्टेट्स के लिए अगेन अ वेरी गुड आर्टिकल फिजिकल इंडिपेंडेंस से और इस कोविड नाइन्टीन के बैकड्रॉप में ये बहुत जरूरी है आज देन जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है पुटिंग द सागर विजन टू द टेस्ट सागर क्या है दिस इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन ये इंडियन ओशन में एक सीशेल्स मॉरिशस श्रीलंका इसके साथ भी इंडिया कोलेबोरेट कर रहा है सो विल गेट टू नो अबाउट द सागर विजन देन अ चेंज इन माइग्रेंट पॉलिसी वेरी वेल रिटर्न जैसे बिहार यूपी है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं तो अ चेंज इन माइग्रेंट पॉलिसी हम देखेंगे पुष फैक्टर क्या होता है पुल फैक्टर क्या होता है देन ये पाँच बहुत अच्छे इन्होंने हाईलाइट किए हैं जो हमें इंपॉर्टेंस देना है अभी माइग्रेंट पॉलिसी में देन रिलीफ पैकेज की भी बात है यहाँ पर देन ऑल इक्ल डील विद क्राइसिस इसमें बात किया है कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्यों जितना जरूरी है उतना अटेंशन नहीं दे रहे हैं देन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स स्टिक्स विद दिस बजट टैक्स टारगेट ये जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं इसके टारगेट्स अचीव करने का यहाँ पे बात है इलेवेंथ इज अबाउट ड्रग फॉर सेप्सिसज टू बी टेस्टेड फॉर कोविड नाइन्टीन जैसे हमने बी सी जी देखा था कपल ऑफ डेज बैक तो अब ये जो सेप्सिस होता है इसकी जो ड्रग होती है इम्यूनिटी बूस्टर है वो हम कोविड नाइन्टीन में भी यूज कर सकते हैं इसका अभी ह्यूमन ट्रायल होगा ये ट्विटर हैंडल है एट कोविड इंडिया सेवा गवर्नमेंट इसमें आपको तुरंत हेल्प प्रोवाइड करने का प्रॉमिस कर रही है देन थर्टी थे आर ऑयल प्राइसेज इन नेगेटिव ट्रेन वेरी गुड आर्टिकल इसमें हम पढ़ेंगे ये वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट डब्लू और ब्रेंड क्रूड ऑयल इन दोनों में फॉल क्यों हुआ कॉमोडिटी फ्यूचर एक्सचेंज है तो इसमें ऐसा क्यों हुआ कि स्टोरेज रन आउट हो गया है वेरी वेरी गुड आर्टिकल हम इसका देन ये देखेंगे कि ब्रेंड क्रूड ऑयल है इसमें इतना फॉल नहीं हुआ है जो यूएस में था इसका ज़्यादा फॉल हुआ है और इस सबसे इंडिया को क्या बेनिफिट हो रहा है वेरी गुड आर्टिकल देन फोर्टेंथ इज अबाउट वर्ल्ड वर्ल्ड में जो यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप हैं सस्पेंड कर रहे हैं इमिग्रेशन देन बैट पैंगोलिन जूनोटिक डिसीजेज यूएन ग्लोबल हंगर बिजनेस और इकोनॉमी सेक्शन में हम देखेंगे टी एल टी आर ओ इसको हमने काफ़ी डिटेल में कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था विल अगेन हैव अ लुक लिक्विडिटी क्राइसिस है तो आर ने इस टी एल टी आर ओ जो दिया था उसको और स्वीटन कर दिया है कुछ इसमें कंडीशंस थे वो कंडीशंस थोड़े स्वीटन हो गए थर्टी डेज यूटिलाइज है एंड ऑल देन रुपी स्लिप हो रहा है स्पोर्ट्स में अगेन दर इज नो शो सो टूडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ऑल दीज आर्टिकल्स इन नेक्स्ट थर्टी टू थर्टी मिनट्स सो लेट एस स्टार्ट फर्स्ट फर्स्ट जो है वो है आई सी एम आर आस्क स्टेट्स टू स्टॉप यूजिंग दिस रैपिड टेस्ट फॉर द नेक्स्ट टू डेज सी हम इसको ना कोविड नाइन्टीन हर दिन फॉलो करते हैं और हम जो भी न्यूज़ आइटम हैं ना अगर इफ़ यू आर रेगुलर यू वुड सी कि हम उसका हर एंगल कवर कर रहे हैं बट एवरी टाइम वी नॉट वी डू नॉट डिस्कस एवरी थिंग बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी डिस्कस एवरी थिंग सो कुछ टाइम पहले हमने ये बहुत डिटेल में देखा आर टी पी सी आर टैप टेस्ट आप इसका पी टेलीग्राम से देख सकते हैं और यू कैन सी द प्रीवियस वीडियो इन दिस प्ले सेक्शन ये आर टी टेस्ट है वन मोर थिंग हम हमेशा सामने जो इसका थमनेल होता है उसमें सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं सो दैट यू डोंट नीड टू वरी यू कैन सी वीडियो के थमनेल्स में कि इसमें कौन सा कंटेंट है इससे यू कैन फिल्टर आउट ये हमने आर आर बहुत डिटेल में अभी डिस्कस किया था ये क्या होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये जो टेस्ट है ना ये मेन टेस्ट माना जाता है फॉर दिस कोविड 19 ये काफ़ी एक्यूरेट है बट इसमें दो प्रॉब्लम होती है एक तो ये बहुत स्लो है दो तीन दिन लग जाते हैं और दूसरा ये महंगा है करीब साढ़े चार हज़ार रुपये पर टेस्ट लग रहा है तो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ने सोचा कि हम एक रैपिड टेस्ट एक टेक्नोलॉजी ले आते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट कराएंगे ताकि जो प्रोबेबल कैंडिडेट हैं वो पहले ही फ़िल्टर कर दें जैसे यू में भी करीब दस लाख लोग फॉर्म भरते हैं एक प्रिलिम्स करवा लेती है यू तो कितने बचते हैं करीब दस पंद्रह हज़ार ही बचते हैं और फिर उन लोगों का मेंस होता है बाकी लोगों को पहले ही फिल्टर कर लिया जाता है तो इसीलिए ये जो टेस्ट है रैपिड टेस्ट इसका मतलब है प्रिलिम्स करा लो और जितने मतलब टेस्ट हैं उनको फिल्टर कर लो पेशेंट्स को तो जो बाकी के पंद्रह बीस हज़ार जो बचेंगे उसी का फिर हम ये आर टी पी सी आर टेस्ट कराएंगे ये लॉजिक था कि इनिशियल स्टेज पे ही हम क्या कर लें स्क्रीन कर लें सो दैट इज़ वाई ये रैपिड टेस्ट का बात आया और जितने भी हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ बहुत ज़्यादा केसेज आ रहे हैं तो वहाँ पर हम रैपिड टेस्ट हर किसी का करा लेते हैं और फिल्टर जो होगा ना उसका फिर हम आर टी पी सी आर टेस्ट से कन्फर्मेशन करेंगे सो दिस इज़ नॉट अबाउट कन्फर्मेशन ये केवल एक जैसे यू पी एस सी का प्रलम्स है आप उसको वैसा समझ सकते हो इसका काम केवल यही है कि फिल्टर करना है नेक्स्ट लेवल के लिए बट ये एक लेस एक्यूरेट सिस्टम है ये फाइनल नहीं है इसकी 80 परसेंट सेंसिटिविटी है एक नया प्रॉब्लम किया गया कि ये जो किट्स हैं रैपिड टेस्ट ये बुलवाए हमने चाइना में और चाइना का प्रोडक्ट ये हो गया फेल ये पूरा क्वालिटी इशू आ रहा है रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं इसमें इंफीरियर क्वालिटी सप्लाई किया गया है हमें तो अगेन चाइना सो पॉजिटिव कोविड 19 टेस्ट जो है ये नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है इवन जो पॉजिटिव केसेस भी हैं मतलब इस पर हम रिलायबल नहीं है ये बिल्कुल भी तो गवर्नमेंट ने इसलिए कहा है कि दो दिन के लिए इसको अभी स्टॉप कर दिया जाना चाहिए मीन बिकॉज हमारे पास इसकी कैपेसिटी कम है आर टी टेस्ट की तो हम क्या कर रहे थे पुलिंग ऑफ टेस्ट हो रहा था जैसे कार पुलिंग होता है ना एक कार में चार पाँच लोग एक साथ बैठ के जा रहे हैं तो पुलिंग ऑफ टेस्ट में भी ऐसा होता है कि करीब थाउजेंड पेशेंट्स का आपने एक साथ टेस्ट कर लिया अगर वो पूरा टेस्ट पॉजिटिव आ गया मतलब इन थाउजेंड में से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है बट एक भी नेगेटिव आया मतलब इस बैच में प्रॉब्लम है तो फिर इस बैच का हम इंडिविजुअल चेक करेंगे इससे भी क्या होता है स्पीड बढ़ जाती है और कॉस्ट कम आती है मीन हम टेस्ट कर रहे हैं न्यू ड्रग्स को नेगे नेवल यूनिट्स हैं इनको भी यहाँ पे क्वारंटाइन कर दिया गया है देन दिस इज़ द न्यूज़ ह्यूज स्पाइक इन केसेस लाइकली इन मुंबई सेंट्रल पैनल ये काफ़ी ग्रिम प्रडिक्शन बोल रहे हैं ग्रिम मतलब इट्स नॉट दैट ब्राइट थोड़ा ग्रिम है यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी नंबर ऑफ़ केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं पंद्रह मई तक ये काफ़ी ज़्यादा नंबर हो जाएगा लेटेस्ट सी देन यहाँ पे हंगर पैंग्स है सी अगेन फूड शॉर्टेज हो रहा है फ़ूड का प्रॉब्लम हो रहा है ग्रिम प्रडक्शंस देन दिस इज़ क्रीमेशन पॉसिबल बट नॉट इमर्जन अगेन वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस स्टैंडर्ड माइग्रेंट वर्कर्स हैं ये पेज नंबर थ्री है यहाँ न्यूज़ है कि एम्स ने डिप्लॉय किया रोबोट्स इन कोविड नाइन्टीन वार्ड सी ये जो फ्रंटलाइन स्टाफ होता है इनका भी लाइफ काफ़ी रिस्क होता है बिकॉज ये डायरेक्टली इन्फेक्टेड पेशेंट से डील कर रहे हैं उसको ठीक करने के लिए यह एक रोबोट्स आए हैं एक मिलाग्रो फ्लोर रोबोट आई मैप नाइन पॉइंट ओ दूसरा रोबोट है मिलाग्रो ह्यूमानॉइड ई एल एफ कंपनी के अकॉर्डिंग जो मिलाग्रो ग्रो ह्यूमानोइड ई एल एफ है इससे क्या कर सकते हैं डॉक्टर मॉनिटर कर सकते हैं इंटरेक्ट कर सकते हैं कोविड नाइन्टीन पेशेंट से और रिमोटली ऑपरेट कर लेंगे उससे तो इससे क्या डॉक्टर्स की लाइफ रिस्क नहीं होगी देन ये जो ह्यूमनोइड ई एल एफ है ये इंडिपेंडेंटली रिकॉर्ड कर सकता है एक्टिविटी इन हाई डेफिनेशन वीडियो एंड ऑडियो और ये नेविगेट भी अपने आप कर पाएगा तो अगेन ये काफ़ी हेल्प होगा इससे ये एम्स में अभी डिप्लॉय कर दिया गया है दिस इज़ पेज नंबर फोर नॉन एसेंशियल्स कैन वेट दिस इज एंड वर्क गोज ऑन दिस इज दिस इज एडिटोरियल यहाँ पे लिखा है नॉन एसेंशियल्स कैन वेट जो ज़रूरत नहीं है उसको हम इंतज़ार करा सकते हैं बट अब ये कैसे पता लगाएंगे कि एसेंशियल क्या है और नॉन एसेंशियल क्या है तो गवर्नमेंट का जो फ्लिप फ्लॉप है फ्लिप फ्लॉप मतलब आपने पहले यह कहा फिर आप वापस इधर पल्टी मार दिया, हो गया, इज़ कॉल्ड तो गवर्नमेंट का फ्लिप फ्लॉप अभी है ई कॉमर्स कंपनीज में जैसे कि फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन सीम्स आर्बिट्ररी कॉशन इज बेस्ट ड्यूरिंग अ पेंडेमिक इट इज बेटर सेफ देन सॉरी। तो आप ज़्यादा कॉशन रखिए सॉरी होने के बजाय यहाँ लिखा है कि जो सेंटर का लास्ट मिनट रिवर्सल था ऑफ इट्स डिसीज़न ई ई-कॉमर्स कंपनी को रिज्यूम कराना डिलीवरीज ऑफ नॉन नॉन-एसेंशियल आइटम्स तो वो गवर्नमेंट ने फिर वापस पुल बैक कर लिया है बिकॉज अभी टाइम नहीं आया है उस चीज़ का दैट कैन वेन वेट तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज़ है ई कॉमर्स कंपनी है ये एसेंशियल चीज़ें आपको डिलीवर कर सकती है बट नॉन एसेंशियल नहीं कर सकती इस पर एक और जो सवाल उठाया था वो उठाया था इन ब्रिक एंड मोर्टार रिटेलर्स ने ये लोग क्या होते हैं जैसे जो ऑफलाइन शॉप्स होती है वो होती हैं इन्होंने कहा कि अगर आप ई e कॉमर्स कंपनी को अलाउ करोगे और हम काम नहीं कर पा रहे तो ये अनफेयर है हमारे लिए तो इनकी एसोसिएशन ने भी इस पर क्वेश्चन उठाए थे अप्रैल 20 से रिलैक्सेशन थोड़ा स्टार्ट हो गया है मिटिगेट है पब्लिक हार्डशिप को करना है बट अगेन वाइजर काउंसिल प्रिवेल्ड बिकॉज अभी तक हमने ये वॉर जीती नहीं है लैक ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड होगा ब्रिक एंड मोर्टार शॉप्स के लिए अब बात आती है एसेंशियल का क्या मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल कोई आईटी प्रोफेशनल है उसके लिए एक बैटरी भी एसेंशियल हो सकती है बिकॉज उसके कारण उसका काम रुका हुआ है कोई गैजेट उसके लिए असेंशियल हो सकता है जैसे कोई स्टूडेंट है उसके लिए एक बुक असेंशियल हो सकती है तो असेंशियल का मतलब ये नहीं होता है कि केवल फूड और मेडिसिन एंड ऑल ही हम रख रहे हैं लॉकडाउन अगर एक्सटेंड होगा तो कई बार नॉन एसेंशियल चीज़ें भी फिर असेंशियल बन जाती है तो ये लाइन को ब्लर काफ़ी ब्लड है डिफ्रेंशिएट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि क्या असेंशियल चीज़ें और क्या नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं तो देन यहाँ पे यही फिर से आर्ग्यूमेंट है नॉन असेंशियल्स कैन वेट ये फ्यूचर्स शॉक है सी कॉमोडिटी मार्केट एक्सचेंज होता है ना इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे इसमें क्या होता है ये जो चीज़ों का एक्चुअल सेल जो होता है इसमें पहले ही अग्रीमेंट हो जाता है फ्यूचर्स शॉक होता है तो इसमें क्या हुआ जैसे ऑयल प्राइसेस का भी है अभी रिसेंटली ऑयल प्राइसेस जो थी डब्ल्यू की वो नेगेटिव टेरिटोरी में चली गई इससे पूरा वर्ल्ड शॉक में आ गया है स्टीप फॉल हुआ ऑयल प्राइसेस का इज़ नॉट ऑल गुड न्यूज़ फॉर इंडिया फ्री फॉल हुआ यहाँ पे क्रूड ऑयल की प्राइसेस का क्रूड जो ऑयल था वो प्लंज हुआ नीचे गिरा बिलो जीरो टू टच अ हिस्टोरिक लो ऑफ दिस नेगेटिव नेगेटिव हो गया है मतलब सेलर बायर को बोल रहा है मैं आपको पैसे दे दूंगा आप सामान खरीद लो ऐसी स्थिति आ गई है नेगेटिव प्राइस का मतलब सेलर वुड हैव टू पे द बायर टू होल्ड द ऑयल टू बी सप्लाइड बट अगेन ये कुछ लोग बोल रहे हैं ये एक टेक्निकल एनोमोली था बिकॉज़ ये जो फ्यूचर्स थे ना ये जैसे मे फ्यूचर था ये मतलब मंथ वाइज था मे टाइम पे इनको क्लियरेंस करना पड़ता है फिर जून फ्यूचर था उसका प्राइस फॉल नहीं हुआ तो ये मे फ्यूचर्स था इसका एक्सपायर होने वाला था डेट सो दैट इज़ बाय ऑल ऑफ अ सडन इतना ज़्यादा इसका प्राइस फॉल हुआ रियलिटी में ऑयल प्राइसेस भी सर्च कर रही हैं बॉटम मतलब हमने पढ़ा है इसे काफ़ी डिटेल में ओपेक प्लस कंट्री में सप्लाई जो है ये कम करना नहीं चाहते हैं और जो डिमांड है ऑयल की वो काफ़ी कम हो गई है वाई बिकॉज कोविड नाइन्टीन के कारण कोई ऑयल खरीद नहीं रहा है और सप्लाई ये कम कर नहीं रहे तो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं सप्लाई और डिमांड में अगर मिसमैच होता है तो प्राइस फिर ऐसे फॉल होने लग जाती है सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो परफेक्ट स्टॉम है फॉर अ सप्लाई ग्लट एग्जाबिटेड इन मार्च प्राइस वॉर चल रहा है सऊदी और रशिया में ये रैंप अप कर रहे हैं आउटपुट इवन व्हेन डिमांड इज लो ऐसा क्यों कर रहे हैं बिकॉज ये मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं ये चाहते हैं जो यूएसए है उसका शेल गैस है ये मार्केट से एलिमिनेट हो जाए बिकॉज शेल गैस प्रोडक्शन में काफ़ी महंगा पड़ता है तो अगर प्राइस बहुत कम आ गई तो जो तो रशिया और जो सऊदी है ये तो सस्टेन कर लेंगे बट यू एस सस्टेन नहीं कर पाएगा तो ये मार्केट से एलिमिनेट हो जाएगा इसको बोलते हैं टेक्टिक होती है ये मार्केट कैप्चर टेक्निक कि आप एकदम सस्ते में सामान कर दो और जो आपका कॉम्पिटिटर है वो एलिमिनेट हो जाएगा फिर तो ये यहाँ पे प्राइस वॉर चल रहा है देन ब्रेंड क्रूड फ्यूचर था ये डॉलर ट्वेंटी वन बैरल पे है इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया डब्ल्यू में ज़्यादा इंपैक्ट आया दिस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट में इसका रीजन अभी हम अगले टॉपिक में देखेंगे नाउ आई ने कहा है कि जो लॉकडाउन है ये ड्रामेटिक कट किया है ट्रांसपोर्टेशन में तो दैट इज वायर डिमांड आ ही नहीं रही है अब बात आती है जब फूल इतना सस्ता हो गया है तो हम इसको स्टोरेज क्यों नहीं कर लेते हैं फॉर फ्यूचर यूज इसका स्टोरेज पॉसिबल है लैंड और ऑफ में बट ये बहुत महंगा होता है इंडिया में भी हमने बना रहे हैं ऐसा नहीं है कि इंडिया ने काम नहीं किया है हमने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाए हैं जैसे कि विशाखापट्टनम में 1.33 मिलियन टन है मैंगलोरू में 1.5 मिलियन टन है पादर इन कर्नाटका में टू मिलियन टन है बट ये कम है इससे ज़्यादा होना चाहिए ये केवल नौ दिन के रिजर्व ही प्रोवाइड करा पा रहे हैं हमें तो इंडिया ने एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कर दी अगर ये हमारा करीब 5.5 मिलियन मेट्रिक टन हो रहा है ये अगर ये 50 टू 100 होता ये 9 डेज़ की बजाय 90 डेज़ होता तो हम काफ़ी फ़ायदे में रहते हैं आज बट हमने ये अपॉर्चुनिटी खो दी है मीन जापान और चाइना का एग्जाम्पल देखें तो उनके पास एक दिन की कैपेसिटी है सी नाइन एंड दिस इज़ वन फ्यूल प्राइस कम होता है तो हम दो चीज़ हमने पढ़ा था एक होता है इम्पोर्ट एक होता है एक्सपोर्ट है ना आयात और निर्यात तो फ्यूल ऑयल जो होता है क्रूड ऑयल वो हम कराते हैं इम्पोर्ट तो अगर प्राइस इसका कम हो गया तो हमारा इम्पोर्ट बिल फ़ायदा हो जाएगा ये रिड्यूस हो जाएगा इम्पोर्ट बिल कम होगा तो हमारा जो कैड होता है करंट अकाउंट डेफिसिट होता है उसमें फ़ायदा होगा फिजिकल डेफिसिट में फ़ायदा होगा प्रोट्रेक्टेड डिमांड रॉट है तो टैक्स रेवेन्यू हर्ट होते हैं बट ये डिमांड इसलिए नहीं हुई है कि फ्यूल कम हो गया है ये डिमांड इसलिए आया फ्यूल इसलिए कम हुआ बिकॉज इकोनॉमी स्लो डाउन या स्टैंड स्टिल हो गई है उसके कारण हमें रेवेन्यू लॉसेज होंगे दूसरे एरिया से जो प्रोड्यूसर्स है इनकी इकोनॉमी डैमेज हो रही है ये भी हमने आर्टिकल देखा था कि जो गल्फ़ कंट्री है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस होगा तो यहाँ क्या होगा जॉब लॉसेस होंगे जॉब लॉसेस होगा तो जो इंडियंस वर्कर यहाँ पे वर्क करते हैं उनका एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा और उनको वापस फिर इंडिया आना पड़ेगा और रेमिटेंस जो है हमारी वो कम हो जाएगी इंडियन वर्कर्स और रेमिटेंसिस पे इम्पैक्ट पड़ेगा गवर्नमेंट मीलवाइल क्या कर सकती है कट करे रिटेल फ्यूल प्राइसेस को जैसे अभी 60, 70 जो चल रहा है उसको कम करे 40, 50 पे लाए लेट गो सम एक्साइज रेवेन्यू प्रोडक्शन पे जो लगता है उसको हम एक्साइज रेवेन्यू बोलते हैं देन ब्रिंग बैक मोमेंटम इन टू द वाइडर इकोनॉमी ये यहाँ पे कुछ सजेशंस दिए हैं सो दिस इज़ फ्यूचर्स शॉक ये आर्टिकल पॉलिटी के लेवल से बहुत अच्छा है उसके रेस्पेक्ट में की स्ट्रेटेजी इज़ फिजिकल एम्पावरमेंट ऑफ स्टेट्स इंडिया क्या है इंडिया में फेडरल फीचर्स भी हैं ये यूनियन है और यूनियन के नीचे ये 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटी है यूटी डायरेक्टली एडमिनिस्टर होते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि स्टेट्स बीइंग आर्म्ड विद इनफ रिसोर्स स्टेट्स बिकॉज फ्रंट पे हैं कोविड 19 से फाइट करने के लिए तो स्टेट्स को प्रॉपर पैसा देना पड़ेगा ताकि ये अपना काम कर सके स्केल ऑफ डिस्ट्रप्शन है वो अनपैरल है ये जो सेकेंड फेज ऑफ लॉकडाउन है इससे अनसर्टेनिटी आ रही है ह्यूज एक्सपेंडिचर चाहिए टू बैटल दिस कोविड 19 इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए भी हमें एक स्ट्यूमुलस पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी अब प्रॉब्लम क्या है ना कि हमें ये नहीं पता कि टाइम कितना लगेगा और इसका वॉल्यूम कितना होगा किस स्केल का है तो इसलिए इसको डिटरमाइन करना ज़रूरी है रिकवरी प्रोसेस प्रोलॉन्ग हो सकती है लंबा खिंच सकती है फिजिकल कंसोलिडेशन की बात अभी भूल जानी चाहिए फिजिकल कंसोलिडेशन क्या होता है एफ आर बी एम होता है ना इसमें हम बोलते हैं कि आमदनी और खर्चे में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए दैट इज़ कॉल्ड फिजकल कंसोलिडेशन। फिजिकल ईयर मतलब साल भर का जो चलता है अपना मार्च टू मार्च तो ये फिजकल कंसोलिडेशन जो हम कोशिश करते हैं कि खर्चा ज़्यादा नहीं हो जाए इसको अभी भूल जाओ खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो भी करो अभी जो बात है वो है सर्वाइवल की स्टेट का फिजिकल डेफिसिट रिलैक्स कर देना चाहिए प्रायोरिटाइज़ करिए आप हेल्थ केयर सर्विसेज को सबसे पहले हेल्थ पे एक्सपेंडिचर इंक्रीज करिए देन स्टेट्स जो होते हैं ये क्लोज़र टू पीपल होता है तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है स्टेट के सब्जेक्ट्स भी होते हैं हम देखते हैं ना शेड्यूल में दिया है सेवन शेड्यूल ये स्टेट लिस्ट है ये कॉन्करेंट लिस्ट है ये यूनियन लिस्ट है तो स्टेट के सब्जेक्ट्स में होता है पब्लिक हेल्थ और पब्लिक ऑर्डर तो दैट इज़ वाई स्टेट को ज़्यादा पैसा चाहिए प्रोएक्टिवली देना चाहिए जैसे कुछ स्टेट्स हैं उन्होंने ये एक्ट लगाया था 1897 का एपिडेमिक डिसीज एक्ट ये कर्नाटका ने जैसे बहुत पहले लगा दिया केरला ने लगा दिया तो ये प्रोएक्टिवली स्टेट्स ने लगाया अपने लोगों को बचाने के लिए सेंटर ने बाद में लगाया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाई बिकॉज अगेन ये कॉन्करेंट लिस्ट है मतलब इसमें स्टेट भी नियम बना सकते हैं और सेंटर भी नियम बना सकते हैं एंट्री ट्वेंटी है ये तो सेंटर के पास भी पावर है सेंटर जो है ये कंसिस्टेंसी अमंग ऑल स्टेट्स चाहता है दैट इज़ बाई इसने ये एन डी लगाया था ताकि सारे जो अट्ठाईस स्टेट हैं वहाँ पर यूनिफॉर्मिटी रहे अब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ग्राउंड लेवल पे वो करना होगा स्टेट को तो घूम फिर के यही बात है कि स्टेट को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे क्लेमिंग क्रेडिट एंड अप्रोप्रेशिएटिंग ब्लेम ये अपोर्शनिंग ब्लेम इसकी हमें जरूरत है कि हम ऐसा नहीं करें कि सब कोई क्रेडिट लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और ब्लेम लेने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है क्रेडिट के लिए सब आगे आ जाते हैं और ब्लेम के लिए सब अपना हेड्स पास कर देते हैं तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम कोऑर्डिनेशन रखें फ़ोकस होना चाहिए हेल्थ एंड इकोनॉमी पे हिस्टोरिकल नेगलेक्ट हुआ है हेल्थ केयर का एक्सपेंडिचर अबिसमली लो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जैसे नेशनल हेल्थ मिशन है इसके पास पैसे ही नहीं होते हैं इनएडिक्टली फंडेड है, है. आयुष्मान भारत है ये भी हमने देखा था इसके दो पार्ट होते हैं एक इंश्योरेंस पे होता है और एक वेलनेस पे तो हम इंश्योरेंस पे फोकस कर रहे हैं बट वेलनेस पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं स्टेट्स एक्सटेंसिव रेवेन्यू लॉसेज हो रहा है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन सी रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट्स इमीडिएट एक्सपेंडिचर है क्योंकि ये क्रिपल हो गया है इनका रिसोर्सेज इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है रेवेन्यू जनरेशन नहीं आ रहा है स्टेट की जो एक्साइज ड्यूटी है स्टैंप ड्यूटी है रजिस्ट्रेशन फी है मोटर व्हीकल टैक्स है सेल्स टैक्स है ये सारे स्टेट को दिए गए हैं द रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी स्टेग्नेट है कम्पनसेशन टाइम पे नहीं मिला है अभी देखा था चार महीने से सेंटर ने इनको कम्पनसेशन नहीं दिया है रेवेन्यू जीएसटी का तो दैट इज़ वाई स्टेट की जो फाइनेंशियल हालत है वो बहुत अच्छी नहीं है स्टेट को अभी मोनिटाइज करना पड़ रहा है लैंड थ्रू ऑप्शन हाई फी अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन है उस पर पे पेनल्टी लगा के पैसे लेने के लिए वो उसको अप्रूवल भी दे रहे हैं तो दैट इज़ वाई इस पूरे बैकड्रॉप में टैक्स डिवोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जैसे आर्टिकल 280 बोलता है फाइनेंस कमीशन एन के सिंह साहब का सो स्टेट्स बोरोविंग स्पेस जो है ये लिमिटेड है सेंटर तो बहुत तरीके से उधार ले सकती है स्टेट नहीं ले पाते हैं एफ आर बी एम है ये थ्री परसेंट लिमिट लगा देता है जी डी पी ऑफ स्टेट पे देन वेज़ एंड मीज एडवांस ये बहुत अच्छे से कल के आर्टिकल में हमने पढ़ा था आप एक बार जरूर देखना उसे ये जो वेज़ एंड मीज एडवांस है इसको 60 परसेंट इंक्रीज कर दिया है आर ने बट अगेन ये कम है दैट इज़ वाई द की स्ट्रेटेजी इज़ फिजकल एम्पावरमेंट ऑफ स्टेट वेरी वेरी गुड आर्टिकल देन ये सीरिया की इडलिप वॉर के बारे में है यहाँ पे लिखा है सागर वर्जन विजन ऑफ द टू द सागर का मतलब क्या होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन ये इंडियन है ना इंडिया के नाम पे एक इंडियन ओशन है ये अरेबियन सी है ये बे ऑफ बंगाल है ये पूरा इंडियन ओशन है नीचे इक्वेटर है इसके नीचे ये कुछ कंट्रीज है सीशेल्स मॉरिशस श्रीलंका 2015 में हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए थे तो इन्होंने इसकी बात की थी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन स्ट्रेटेजिक विजन फॉर द इंडियन ओशन अब एक इंडियन ओशन कमीशन होता है इसके मेंबर हैं कोमोरस मेडागास्कर मॉरिशस री एंड शीशल्स आप मैप में देखना ये अफ्रीका है या मेडागास्कर है यहाँ पे यह मेडागास्कर कोमोरस मॉरिशस री और सीशल्स हैं इन्होंने बनाया है इंडियन ओशन कमीशन इंडिया को अभी रिसेंटली इसमें ऑब्जर्वर स्टेट्स का दर्जा मिला था एक होता है एम ए एस ई इसका मतलब होता है मैरीटाइम सिक्योरिटी इन ईस्टर्न एंड साउथ अफ्रीकन एंड इंडियन ओशन द होल आइडिया जो यहाँ पे लिखा है वो ये है कि इस इंडियन ओशन में हमारा इन्वॉल्वमेंट बढ़ना चाहिए एक्टिवली कोऑपरेट करना चाहिए एक दूसरे की जो स्ट्रेंथ है उसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए देन सोमालियन कोस्ट में कोस्ट में जो पायरेसी होती है पायरेट्स होते हैं यहाँ पे जो अफ्रीका का ये हॉर्न है यहाँ पे सोमालियन कोस्ट है यहाँ पे होती है पायरेसी इसको चेक करना है बॉटम अप रीजनल व्यूज़ होने चाहिए मतलब जैसे बॉटम अप अप्रोच होती है नीचे से सारे व्यूज़ आप लेके आ रहे हो सबका सारे स्टेक होल्डर्स का पार्टिसिपेशन है दैट इज द लर्निंग फॉर इंडिया इंडिया की एक्सपर्टीज़ है सेटेलाइट इमेजरी में एक्सपर्टीज़ है सिक्योरिटी में तो इंडिया हेल्प कर सकता है इन आई को कंसल्टेटिव डेमोक्रेटिक एंड इक्विटेबल लीडरशिप इज वॉट रिक्वायर्ड ओवर हेयर ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है इसमें लिखा है अ चेंज इन माइग्रेंट पॉलिसी माइग्रेंट्स क्या होते हैं जैसे यहाँ आप रहते हो आप दूसरी जगह चले गए फॉर जॉब फॉर एनी अदर रीजन तो आप बन गए माइग्रेंट एड्रेस करिए इमीडिएट डिस्ट्रेस कंडीशंस सोचिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन शॉर्ट टर्म नहीं सोचना चाहिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन सोचना चाहिए एंड पैनी वाइज पाउंड फुलिश भी नहीं होना चाहिए पैनी वाइज पाउंड फुलिश क्या होता है मतलब छोटी छोटी चीज़ों में तो आप बहुत बुद्धिमानी दिखा रहे हो बट जो बड़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वहाँ पे आप मूर्खता कर रहे हो तो पैनी वाइज पाउंड फुलिश इस हैबिट से बचना चाहिए देन माइग्रेशन होना चाहिए तो माइग्रेशन होता है इसमें दो फैक्टर होते हैं एक होता है पुश फैक्टर एक होता है पुल पुश मतलब धक्का लगा रहा है धक्का क्या लगा रहा है कि वहाँ पे एजुकेशन नहीं है अपॉर्चुनिटी नहीं है एम्प्लॉयमेंट नहीं है चैलेंजेस नहीं है डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो ये होता है सोर्स पे इमेजिन करिए बिहार यूपी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुश फैक्टर हो रहे हैं तो इससे लोग यहाँ से निकल के बाहर जाना चाहते हैं अब आता है पुल फैक्टर इमेजिन करिए दिल्ली दिल्ली में बेटर लाइफ प्रॉस्पेक्ट्स हैं एम्प्लॉयमेंट है अपॉर्चुनिटीज़ हैं है, तो ये हो गया पुल फैक्टर ये होता है डेस्टिनेशन में अब पब्लिक हेल्थ एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी में ये कुछ पांच पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं कि नंबर्स आर टू हाई ये जो माइग्रेशन हो रहा है ना ये बहुत ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है इंटर स्टेट माइग्रेशन और बिहार एंड यूपी यहाँ से काफ़ी माइग्रेंट्स आ रहे हैं इंडिया की जो इकोनमी है वहाँ पे ग्रोथ सेंटर्स हैं ग्रोथ सेंटर्स मतलब जैसे दिल्ली हो गया मुंबई हो गया कोलकाता हो गया इधर चेन्नई हो गया बैंगलोर हो गया ये सब क्या है ग्रोथ अहमदाबाद हो गया ये ग्रोथ सेंटर्स हैं तो जो हमारी इकोनमी है वो इन ग्रोथ सेंटर्स पे ही डिपेंडेंट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है ग्रोथ का रीजनल सेंटर्स बन गए हैं देन रिटर्न ऑफ माइग्रेंट वर्कर होगा अब ये अपने घर जाएंगे अगर बाय द वे इनमें से कोई भी कोविड नाइन्टीन पॉजिटिव निकला तो ये जिस गाँव में जा रहे हैं वहाँ पर सबको कोविड नाइन्टीन हो सकता है तो एक्जॉर्डर्स एंड माइग्रेंट का स्प्रेड पॉसिबल है एपिडेमिक स्प्रेड हो जाएगा और ये जो माइग्रेंट्स वापस अपने गांव जा रहे हैं तो वहाँ पे इकोनॉमिक शॉक भी आएगा देन वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन डिफाई द आइडिया ऑफ डिसेंट वर्क एंड सिक्योरिटी इनको सिक्योरिटी नहीं है ये भी हमने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ब्यूटिफुली कवर किया था सो so, इनको ये फैसिलिटीज़ भी नहीं दी गई है सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इनको कुछ रिलीफ पैकेज दें डिजास्टर जो होती है ना ये प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट स्ट्रक्चरल रोंग एक बार सारा नए सिरे से स्टार्ट करने का मौका मिलता है द स्टेट कुड वर्क आउट अ स्ट्रेटेजी फॉर एड्रेसिंग इमीजिएट कंडीशन साइमल्टेनियसली इनिशिएटिंग लॉन्ग टर्म मेजर्स पॉलिसी टू माइग्रेंट एंड दिस इन फॉर्मल सेक्टर इंडिया में जो सबसे बड़ा जो वर्किंग पॉपुलेशन है ना वो इन फॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा है फॉर्मल सेक्टर में कम है सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है इल इक्प टू डील विद द क्राइसिस सी कोविड नाइन्टीन जो हुआ तो आज की डेट डेट दे, में आप देखो जो भी चीज़ों पर हमने इतना एक्सपेंडिचर किया वो सारी चीज़ें आज बंद हैं आज क्या खुला हुआ है आज खुला हुआ है आपके हॉस्पिटल्स आज आपकी खुली है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लैब्स जो वैक्सीनेशन का ढूंढने का डे नाइट ये साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं ये हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं नर्सेज़ हैं फ्रंटलाइन स्टाफ है ये डे नाइट कोशिश कर रहे हैं कोविड नाइन्टीन को कंटेन करने के लिए और ये जो हॉस्पिटल्स हैं ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है लैब है प्रोफेसर्स हैं इन पे ही हमने पैसे खर्च नहीं किए हमने जिन चीज़ों पे पैसे खर्च किए आज वो सारी चीज़ें लॉकडाउन है और वो हमारी जान नहीं बचा पाएंगी तो हमारी प्रायोरिटी कहाँ पर है ये हमें देखने की ज़रूरत है कोविड नाइन्टीन हैज़ लेड बैक साइंस पॉलिसी का डेफिसिट इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होता है साइंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये काफ़ी पुअर है हम बजट का भी आप देखो कितना परसेंट जीडीपी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लगा रहे हैं कितना परसेंट जीडीपी आप डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स हम हॉस्पिटल्स क्यों नहीं बनाते हैं ज़्यादा हमें हॉस्पिटल ज़्यादा बनाने चाहिए सारा पैसा इधर क्यों नहीं आ रहा है ये काफी अच्छे सवाल है यहाँ पे सो इंडिया एस्पायर टू बी डॉलर फाइव ट्रिलियन इकोनॉमी सच एस्पायरेशन मस्ट एनविजन अ सोसाइटी दैट चेरिशेज साइंस एंड नॉलेज आप देखते हो ना फंडामेंटल ड्यूटीज आप पढ़ो उसमें लिखा है साइंटिफिक टेम्पर को आपको इम्प्रूव करना है नॉलेज एंड श्राइन्स इक्विटी जस्टिस डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस रेस्पेक्ट अवर नेचुरल हैरिटेज तो ये जो नॉलेज जैसी चीज़ें होती है दे आर वेरी हेल्पफुल पर्सन जित में जितना नॉलेज आता है ना उतना ही उसका जो फियर होता है मिसकसेप्शन होते हैं ये सारे दूर हो जाते हैं सो वी मस्ट एन्श्योर हेल्थ केयर एज एन इंडिविजुअल बेसिक राइट एंड अर्थ केयर एज अ कलेक्टिव राइट तो सम वेरी गुड पॉइंट्स रिटर्न ओवर ईयर देन ये बात है सी बी डी टी टैक्स विद बजट टैक्स डायरेक्ट दो टाइप के टैक्स हमने देखे थे एक होता है डायरेक्ट टैक्स मतलब जहाँ पे सोर्स है और जहाँ से कलेक्ट किया गया है वो सारा एक ही है जैसे इनकम टैक्स मैंने इतना पैसा कमाया मैंने 10-15 लाख रुपए कमाए और फिर मैंने उस पर टैक्स पे कर दिया तो दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स एक कारपोरेट है उसने कुछ वन करोड़ का टर्न किया वन करोड़ का इनकम था उसने उस पर टैक्स दे दिया दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स बट कुछ टैक्सेज होते हैं इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेज होते हैं जैसे कि जी एक इनडायरेक्ट टैक्स है या फिर आप जैसे कुछ खरीदते हो सेल्स टैक्स होता था दिस इज़ तो दीज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस सोसाइटी में जो डायरेक्ट टैक्सेज होते हैं दे आर गुड और वो भी अगर प्रोग्रेसिव हों तो दे आर गुड जैसे हम देखते हैं ना अगर इनकम पाँच लाख है तो कम टैक्स लग रहा है ज़्यादा इनकम है तो ज़्यादा टैक्स लग रहा है तो ये प्रोग्रेसिव स्लैब होती है इफ़ इट इज़ देयर देन इट इज़ गुड फॉर इकोनॉमी इन सोसाइटी ज़्यादा प्रपोर्शन अगर इन डायरेक्ट टैक्सेस का होता है ना तो इसमें टैक्स बर्डन सब पे बराबर हो जाता है फॉर एग्जाम्पल एक बिस्किट का पैकेट है इस पर कुछ जी एस टी लगा सपोज पाँच परसेंट जी एस टी लगा तो मैं पंद्रह लाख ,00 कमा रहा हूँ मैं भी पाँच परसेंट पे कर रहा हूँ एक बंदा है वो वन लाख रुपये कमा रहा है वो भी पाँच परसेंट टैक्स कर रहा है तो ये अच्छा नहीं हुआ ना इस बंदे के लिए सो दैट इज़ वाई इन डायरेक्ट टैक्सेस हम एक परसेंटेज से ज़्यादा हम डायरेक्ट टैक्स और वो भी प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं इकोनॉमी में सो so, यहाँ लिखा है सी बी डी टी स्टिक्स विद बजट टैक्स टारगेट इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स इस पर अचीव करने का इन्हें कहा है कोविड नाइन्टीन के बैकड्रॉप को इग्नोर किया है दिस इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ओके देन दिस इज़ द पेज नंबर वन पेज नाइनटीन एंड दिस इज़ टेन सो ड्रग फॉर सेप्सिस टू बी टेस्टेड फॉर कोविड नाइनटीन सेप्सिस टू बी टेस्टेड फॉर कोविड 19 ये सेप्सिवैक एक मेडिसिन है ये यूज़ करते हैं टू ट्रीट सेप्सिस ये क्लास ऑफ पैथोजेंस होते हैं पैथोजेंस बीमारी फैलाते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए इससे सेप्सवैक से हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये थोड़ा बेटर होता है तो इसीलिए हम इसको ट्राई कर रहे हैं कि ये कोविड 19 पर भी तो सक्सेसफुल हो जाएगी तो अच्छा होगा जैसे हमने देखा था बी सी जी जो था वो उसने वैक्सीनेशन ने कुछ केसेज में हेल्प किया जैसे अभी हमने एच सी क्यू मेडिसिन जो थी मलेरियल ड्रग है वो भी इसने हेल्प किया तो सिमिलरली हम इस ड्रग को भी ट्रायल कर रहे हैं ह्यूमन ट्रायल में दीज आर ऑल अगेन ट्रायल ये बाद में करेक्ट होगा नहीं होगा नो बडी नोज देन दिस इज कोविड इंडिया सेवा लॉन्च ये ट्विटर हैंडल लॉन्च किया है इससे आप अगर आप कोई भी क्वेरी है आप इस पर एड्रेस करके सवाल पूछिए ये सारा पूरा ऑटोमेटाइज है यहाँ पर काफ़ी ट्रेनड एक्सपर्ट हैं दे विल हेल्प यू ट्रेनड एक्सपर्ट विल शेयर ऑथोरिटेटिव पब्लिक हेल्थ इन्फॉर्मेशन स्विफ्टली एट स्केल बिल्ड अ डायरेक्ट चैनल फॉर कॉम्युनिकेशन विद सिटीजन बिकॉज कॉम्युनिकेशन ज़रूरी है और जो फेक न्यूज़ है ना इस फेक न्यूज़ को हमें सबको मिलकर तुरंत स्टॉप करना चाहिए जो अननेसेसरी मसाला न्यूज़ होती है अननेसेसरी पैनिक क्रिएट कर रहे हैं एनजाइटी क्रिएट कर रहे हैं दिस क्लिक बेड्स एंड ऑल वी नीड टू स्टॉप दिस सो कोविड इंडिया सेवा इसीलिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ताकि इस कोविड 19 के बैकड्रॉप में कोई पैनिक नहीं हो करेक्ट इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो सके देन दिस इज़ वाई आर ऑयल प्राइसेज इन नगेटिव ट्रेन एक्सेलेंट आर्टिकल यहाँ बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अभी जैसे फ्यूचर्स में इसकी जो डब्ल्यू टी आई था ये प्राइसेस कम हुआ नेगेटिव चला गया इसका पूरा बैकड्रॉप क्या है ये था वेस्ट एक्सस इंटरमीडिएट ये अमेरिकन बेंचमार्क है क्रूड ऑयल का ये ज़ीरो से नीचे चला गया था ये वहाँ के मार्केट में ऐसे ट्रेड होता है तो सेलर्स हैव टू पे बायर्स टू गेट रेड ऑफ देयर क्रूड एंड अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन हो गया था ये वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है डब्ल्यूटीआई अमेरिकन ब्रेंच है फॉर क्रूड ऑयल का ये लेस देन जीरो चला गया अब सवाल ये उठता है कि ये प्राइस फॉल हुआ क्यों तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा ट्रेडिंग के डायनामिक्स को सी ये जो डब्लू है ना डब्ल्यू टी आई एक ट्रेडेड एज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होता है मतलब आज नहीं इस टाइम पे बाद में ही हमने पहले अग्रीमेंट कर लिया सेलर और बायर ने कि इस पर्टिकुलर डेट में हम इस पे हम ट्रेड करेंगे दैट इज़ कॉल्ड फ्यूचर भविष्य का आपने कॉन्ट्रैक्ट अभी ही कर लिया है और ये जो भविष्य का कॉन्ट्रैक्ट था ये किसके मंथ के लिए था मे मंथ के लिए था अब ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ये ट्रेड होते हैं न्यूयॉर्क मर्चेंटाइल एक्सचेंज में ये एक्सचेंज में यहाँ पे होते हैं यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं जो इस पर वर्क करते हैं वो खरीदते हैं और बेचते हैं मंथली फ्यूचर्स जैसे कि मे का फ्यूचर जून का फ्यूचर ऐसे करके फ्यूचर का मतलब क्या है फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स कि उस टाइम पे ऑयल का ये प्राइस होगा ये हमने पहले ही डिसाइड कर लिया और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड कर रहे हैं तो सेलर ऑफ सच फ्यूचर विल हैव टू डिलीवर अ बैरल ऑफ क्रूड ऑयल एट द कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस इन द कॉन्ट्रैक्टेड मंथ जस्ट एज बॉयज़ विल हैव टू टेक डिलीवरी एट द कॉन्ट्रैक्टेड डेट तो ये प्री अग्रीमेंट होता है तो इसी को हम बोलते हैं जैसे कमोडिटी एक्सचेंज आप देखते हो ना पहले से ही डिसाइड हो जाता है आलू लेंगे प्याज का ग्रो कर रहे हैं हम उसको इतने प्राइस पे बेचेंगे तो इसी तरीके से ये ऑयल का भी मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यहाँ पे अब क्या हुआ जो मे का कॉन्ट्रैक्ट था उसका प्राइस अचानक बहुत कम हो गया जून का नहीं हुआ है मे का कम हुआ है सो so, ये क्या हुआ यहाँ पे स्पेक्यूलेशन बेस्ड होता है ये पूरा जो इक्विटी मार्केट है वो स्पेक्यूलेशन और सेंटीमेंट्स पे चलता है सेल और परचेज़ तो जो फिजिकल ऑयल का जो डिलीवरी ले रहा था वो नहीं होता है यहाँ पे यहाँ पे बस कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ही है ऐसे वर्क करता है अब जब कॉन्ट्रैक्ट का डेट एक्सपायर डेट आता है तो ये पोजीशन अनवाइंड कर लेते हैं अपना अब बिकॉज़ मार्केट में क्या है काफ़ी अनसर्टेनिटी चल रही है ऑयल प्राइस वैसे ही काफ़ी कम चल रही है सो दैट इज़ वाई उस मे का जो फ्यूचर्स था उसमें अचानक से बायर्स थे उन्होंने उसको लेने से रिसीव कर दिया तो उसकी प्राइस अचानक से ऐसे प्लमेट हो गई मे के फ्यूचर की प्राइस की अब स्टोरेज का स्पेस नहीं होता है इनके पास उसको स्टोर कहाँ पे करेंगे तो ये रनिंग आउट हो गए सो दैट इज़ वाई दे वर रेडी टू पे कि यू जस्ट टेक दिस अवे मे डब्ल्यू टी आई फ्यूचर प्राइस वेंट नेगेटिव बट सी जून का जो फ्यूचर प्राइस था वो भी डॉलर ट्वेंटी पॉइंट फोर थ्री बैरल पर था तो ये इसलिए था क्योंकि अगेन ये वर्क करता है स्पेक्यूलेशन पे जो सेलर्स हैं और जो बायर्स हैं इनको लगा अभी मे है मे मतलब अभी नेक्स्ट मंथ का ही है ये है ना तो इसमें तो अभी कोविड नाइन्टीन का भी चल रहा है लॉकडाउन भी चल रहा है प्राइस भी फॉल हो रहा है तो देट इज़ वाई दे वर नॉट सर्टेन फॉर दिस मे बट अगर जब तक जून आएगा तो हो सकता है सिचुएशन इम्प्रूव हो जाए तो इन्होंने जून का ज़्यादा प्लमेट नहीं किया इन्होंने मे का यहाँ पे प्लमेट कर दिया सो so, जून में डिमांड रिकवर भी हो सकती है तो दैट इज़ वाई वो अभी भी बीस बैरल पर है क्रिएट हो जाएगा तब तक स्टोरेज का स्पेस का देन ये कॉन्टेंगो ट्रेडर्स हैं ये एंटिसिपेट करते हैं सर्ज इन डिमांड स्टोरिंग क्रूड ऑयल फ्यूचर सेल तो ये अगेन जैसे ब्लैक मार्केटिंग होती है ये क्या करेंगे स्टोर कर लेंगे सस्ता मिल रहा है और बाद में फिर इसको सेल कर देंगे द प्राइस ऑफ ब्रैंड ग्रेड एंड स्टिल अब ये तो देखा हमने डब्लू का डब्लू का मतलब ये वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो अमेरिका में यहाँ पे एक्सचेंज में फ्यूचर कॉमोडिटी चल रही थी एक होता है ब्रेंट क्रूड ऑयल जो चलता है लंदन ये जो लंदन यूके है नॉर्थ सी में ये ब्रेंट क्रूड मिलता है ये काफ़ी अच्छा क्रूड माना जाता है तो यहाँ की जो रिफाइनरी है यूरोप की वो इसी के अकॉर्डिंगली कैलिब्रेटेड है ब्रेंट क्रूड के तो ब्रेंट क्रूड की ऑयल ज़्यादा फॉल नहीं हुआ है फॉल जो हुआ है वो केवल डब्ल्यू का हुआ है ये अभी भी बीस के ऊपर चल रहा है तो ट्रेडिशनली इसकी कीमत भी ज़्यादा होती है डब्लू से बिकॉज ये सुपीरियर ग्रेड का ऑयल माना जाता है नॉर्थ सी मैप में आप देखो नॉर्थ सी कहाँ पर है यू ऊपर नॉर्थ सी कहाँ है ब्रिटिश कोस्ट ये जो रिफ़ाइनरीज यूरोप की है वो कॉन्फिगर्ड हैं ब्रेंड के लिए डब्लू जो था ये जिसकी प्राइस फॉल हुआ ये न्यूयॉर्क कॉमोडिटी एक्सचेंज में ये फॉल हुआ ब्रेंड फ्यूचर लंदन जो है ये सेटल हो सकता है बाय कैश भी तो इसका कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा फॉल इसमें आता नहीं है नो no, क्रैश सो दैट इज़ वाई ये क्रैश नहीं हुआ ब्रैंड फ्यूचर अब इंडिया को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है इंडिया को ये फ़ायदा हो रहा है कि हम सारा ऑयल इंपोर्ट करते हैं आयात करते हैं तो अगर इसका प्राइस कम होगा मतलब हमको कम पैसे में हम ये सामान खरीद लेंगे सो so ये हमारे लिए रिलीफ है करंट अकाउंट डेफिसिट में हेल्प होगा स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स जो भी हमने पहले देखे थे इन द बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर वहाँ पर हम देखेंगे कि स्ट्रैटेजिक रिजर्व में हम इसको फिल कर लेंगे तो इन शॉर्ट टर्म इंडिया को इससे बेनिफिट हुआ है अगेन uh, इसमें इफ़ यू हैव डाउट वी कैन डिस्कस इट लेटर सेपरेटली हम इसको एक बार फिर से देखने की कोशिश करेंगे ओके देन दिस इज कोविड 19 कॉन्टैक्ट इंटेंसिटी ये बस्तर की ट्राइब है सी ये जो विलेजर्स है ना इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है कंटेन दिस कोविड 19 जितने ये जो डिफॉल्टर हैं ना ये मोस्टली आप देखना सिटी वाले हैं पढ़े लिखे लोग हैं एजुकेटेड हैं रिच पीपल हैं ये ज़्यादा कल्प्रिट है जितने भी एयरपोर्ट से बाहर आए फिर मिसबिहीव किया इन्होंने ये कल्प्रिट ज़्यादा इन्होंने इस वायरस को किया है जबकि ये सी ये जो बस्तर के ट्राइबल पीपल हैं दे आर सो अवेयर और अच्छे से ये सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं देन, दिस इज़ शोकेस, दिस इज शोकेस कार्ज एंड ऑल दिस इज़ लाइम लाइट एंड दिस इज़ वर्ड वर्ड सेक्शन में ट्रंप यूएस में ऐसा लग रहा है कि वहाँ के जॉब लॉसेज होंगे तो वो पहले अपने लोकल पीपल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो वो बोल रहे हैं हम इमीग्रेशन को स्टॉप कर देंगे फॉर सम टाइम ग्रीन कार्ड और वर्क वीज़ा है ये भी स्टॉप हो जाएगा मीन चाइना चाहता है कि ईज करे ट्रैवल कब टू स्टेबलाइज देयर इकोनोमी देन ये आर्टिकल लिखा है कि ये जो जूनोटिक डिसज़ेज़ होती हैं मतलब एनिमल्स टू ह्यूमंस आती हैं बैट पेंगोलिन से अब आया है या नहीं आया है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग बट इबोला एच एवियन फ्लू जीका सास ये सब कोरोना वायरस फैमिली है ये सारे आए हैं जूनोटिक डिस से जो एनिमल्स होते हैं फॉरेस्ट होते हैं इसमें काफ़ी सारे रिजर्वायर ऑफ वायरसेज होते हैं हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और ये वायरस जहाँ पे स्टोर्ड थे वो ओपन अप हो रहे हैं जूनॉटिक डिसजेस बिकॉज ऑफ दिस डिफॉरस्टेशन देन यूनाइटेड नेशन बोल रहा है हर पैंडमिक के बाद एक फूड हंगर वॉर चालू हो जाता है डबल ड्यू टू कोविड नाइन्टीन यू एन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने देन दिस इज साउथ कोरिया डिस्प्यूट इलनेस दिस इज बिजनेस बिजनेस में हम देखते हैं ये होता है टी एल टी आर ओ रेपो रेट फ्लक्चुएट हो रही है तो आर बी आई चाहता है इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं हो तो उसने टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के थ्रू कुछ पैसे यहाँ पे दिए थे लॉन्ग टर्म में दिए थे वन थ्री ईयर टाइप ये भी हमने अगेन काफ़ी डिटेल में कपल ऑफ डेज बैक पढ़ा था तो ये TL, टी एल टी आर ओ जो डील थी इसमें कुछ पचास हजार करोड़ रुपए आर बी आई दे रही थी किनको बैंक्स को क्यों दे रही थी क्योंकि बैंक्स के पास पैसे कम हो रहे हैं लिक्विडिटी क्राइसिस हो रहा है तो मार्केट में पन मनी पंप करने के लिए ये पचास हजार करोड़ रुपए टी एल टी आर ओ से उन्हें मिल रहा था अब इसको और स्वीटन कर दिया है स्वीटन ये किया है कि विल लेवी पेनल्टी बैंक जो एन बी एफ सी को दे रहे हैं ना पैसा वो इसमें नहीं आएगा वो सेपरेट रखा जाएगा तो इससे और इंसेंटिव मिल गया इन बैंक को सी ये जो पचास हज़ार करोड़ रुपए थे टी एल टी आर ओ के ये जो फ़ंड था ये पैसे थे इसको डिप्लॉय करना था इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स में बॉन्ड्स होते हैं ना जैसे गिल्ट एज एज बॉन्ड्स होते हैं वो जो सरकार के होते हैं वो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स होते हैं कमर्शियल पेपर होते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं मतलब इन डिबेंचर्स को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो शेयर्स एंड ऑल में एन तो इसमें फिफ्टी परसेंट मिड एंड स्मॉल साइज एन का इन्होंने क्राइटेरिया रख दिया है तो इससे क्या है इनको 30 डे के अंदर यूटिलाइज़ करना है फर्स्ट ट्रांस जो है वो आज 22 है 23 अप्रैल को ये आ जाएगी फिर से न्यूज़ में होगा हम इसको एक बार और देखेंगे दिस इज हाउ वी डू वी कीप ऑन फॉलोइंग न्यूज़ हम लेयर वाइज लेयर उसमें अपनी एडिशन इन्फॉर्मेशन करते जाते हैं तो अब ये नेक्स्ट टाइम आएगा विल गेट टू नो मोर अबाउट इट तो इसमें थर्टी डे के अंदर यूटिलाइज करना है लोन्स एक्सटेंडेड टू एन बी एफ सी अब स्वीटन ये किया है कि जो लोन एक्सटेंड किए थे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ को वो एक्सक्लूड हो जाएंगे टी एल टी आर ओ से तो इससे बैंक को और रिलीफ मिल जाएगा देन रुपी स्लिप हो गया इन्वेस्टर्स फ्लॉक टू सेफ हेवेंस। रुपी क्यों हुआ स्लिप हुआ बिकॉज डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया डॉलर क्यों स्ट्रॉन्ग हुआ बिकॉज मार्केट में काफ़ी अनसर्टेनिटी है तो जब अनसर्टेनिटी होती है तो आप सबसे सेफ चीज़ की तरफ बढ़ते हो और सबसे सेफ क्या माना जाता है डॉलर माना जाता है तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई डॉलर इंक्रीज हो गया तो डॉलर के कंपेरिजन में बाकी सारी जो करेंसी है वो डिक्रीज हो गई देन दिस इज़ ऑयल हेड्स टू डिकट्स लो ऑयल स्लाइड हो रहा है देन बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं फिक्की के सर्वे ने कहा ये देन यहाँ पे स्पोर्ट्स अगेन देर इज़ हार्डली एनी न्यूज ऑफ स्पोर्ट्स दीज डे स्पोर्ट्स सारे नो no शो है सो टूडे वी रेड अबाउट दिस स्पोर्ट्स नो शो हमने बिजनेस इकोनॉमी में देखा लिक्विडिटी क्राइसिस टी एल टी आर ओ हम फिर से आएंगे इस पे दैन दिस इज़ वर्ल्ड वर्ल्ड न्यूज़ में जूनॉटिक डिसीजन एंड ऑल देन ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल था डब्ल्यू टी आई को फॉल हुआ है जबकि ब्रेंड क्रूड ऑयल का इतना फॉल नहीं हुआ है फ्यूचर्स कॉमोडिटी देन कोविड इंडिया सेवा ये एक फैसिलिटी दी है ट्विटर में ड्रग फॉर सेप्सिस सी बी डी टी बजट टैक्स टारगेट ये इल इक्विप्ड है विद अ क्राइसिस हमको पैसे खर्च करने चाहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पैसे खर्च करने चाहिए एजुकेशन में पैसे खर्च करने चाहिए हॉस्पिटल्स में ये जो चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करती है इन डिफ़िकल्ट टाइम दैन दिस इज द माइग्रेंट वर्कर पॉलिसी में क्या चेंजेस लाने हैं ये पुटिंग द सागर विजन सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन दैन दिस इज अबाउट द की स्ट्रेटजीज फिजिकल एम्पावरमेंट ऑफ स्टेट वेरी वेरी गुड आर्टिकल दैन दिस इज अबाउट द फ्यूचर्स स्टॉक ये है नॉन असेंशियल्स कैन वेट बट एसेंशियल का मतलब क्या होता है आज एसेंशियल नहीं है बट कल वो एसेंशियल भी हो सकता है सो so, एम्स ने डिप्लॉय किया कोविड 19 वार्ड में ये दो रोबोट हैं मेलाग्रो फ्लोर रोबोट आई मैप नाइन और मेलाग्रो ह्यूमन आइट ई एल एफ धारावी मुंबई में काफ़ी हालत ख़राब है देन आई सी एम आर स्टेट स्टॉप यूजिंग रैपिड टेस्ट पी सी आर ये टेस्ट है बट ये रैपिड टेस्ट जो मतलब प्रिलिम्स था स्क्रीनिंग था इसको अभी दो दिन के लिए स्टॉप किया है ये रियल टेस्ट है ओके okay? देन this is 22nd of april this is 22nd of april 2020 so thank you so much for watching this video take care be safe and study well mm -hmm.